ये स्टूडेंट्स, आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि ऑगमेंटेड प्लेन वेव मेथड का नोट्स चाहिए आप लोगों को, तो नोट्स हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आप जो हमने एक्सप्लेन किया है इसको, वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। तो ये इसके जो नोट्स हैं ये बिल्कुल उसी पे बेस्ड हैं जिसमें हमने कहा था कि मफिन टीन अप्रोक्सीमेशन पे ये बेस्ड हैं, और ऑगमेंटेड प्लेन वेव्स आपके ऐसे वेव्स होते हैं जो स्लोली वेरिंग पोटेंशियल में रहते हैं, लेकिन उनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फास्ट वेरिंग में भी, ठीक है ना। अच्छा, मफिन टीन अप्रोक्सीमेशन में हमने साथ में ये भी देखा था कि जो क्रिस्टल है आपका, उसको डिवाइड किया जाता है मफिन टीन रीजियन में, जहाँ पर स्फीयर ओवरलैप नहीं होने चाहिए, और सेंटर जो है वो एटॉमिक साइट पे, और स्पेस जो है उनके बीच का वो कहलाएगा आपका इंटरस्टिशियल। पोटेंशियल की बात करें तो इसका पोटेंशियल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। वी आर इज इक्वल्स टू, कुछ इस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम इसके डायग्राम की तरफ जाएं, तो ये इसका डायग्राम है, और इसमें हमने चारों जो पोटेंशियल को बताने के लिए हमने जो एम टी अप्रोक्सीमेशन जो हमने कहा, उसमें जो चार स्फीयर्स हैं वो लिया हुआ है, ठीक है। क्रिस्टल पोटेंशियल तो हमने बता दिया। वेव फंक्शन की तरफ पढ़ते हैं। इसका वेव फंक्शन जो है वेव वेक्टर के लिए कुछ इस फॉर्म का होगा, ठीक। आर माइनस आर मॉड ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो के लिए ई रेज टू आई के आर, और इसके लिए एटॉमिक फंक्शन के जैसा ऑर्बिटल, ठीक। आउटसाइड कोर जो फंक्शन है आपका वो होगा प्लेन वेव, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है, कोर के अंदर एटम लाइक होगा, और उसको श्रोडिंगर इक्वेशन की मदद से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट हो इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।